दोस्तों कल 19 नवंबर दे दिन मोदी सरकार दे वल्लों एक फैसला लिया गया सी अते इस फैसले तो बाद सारे लोग हैरान हो गए सी कि किस प्रकार दे नाल एक साल तो लटकदे आ रहे मुद्दियां नू एकदम मोदी सरकार ने हल कर दिता। दूसरे पासे पंजाब दे विच इस फैसले दे नाल किस प्रकार दे नाल मूवमेंट सामने आउणगीआं ये भी सारे दे विच चर्चा का विषय बनी हुई है। सत श्री अकाल जी, मैं इम्तियाज बराड़ अते तुसीं वेख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। केंद्र दी भाजपा सरकार दे वल्लों तीन खेतीबाड़ी कानून वापस लै जाण दे फैसले दे पिछों पंजाब दे विच सियासी माहौल बदल जाएगा। पिछले डेढ़ साल तो किसान सियासत दे केंद्र दे विच सन अते सब सियासी पार्टियां किसानां नूं केंद्र च रख के अपनी सियासत चला रही सन। हुण तीनों खेतीबाड़ी कानूनां नूं रद्द किते जाण दे ऐलान तो पिछों शहरी वोटर भी सियासत दे विच केंद्र दे विच आउंदे होए नजर आ रहे ने। किसान अंदोलन के कारण भाजपा जिहड़ी हैगी है पंजाब विच भाजपा के नेता अपनी गल लोकां दे सामने रखण च मुश्किल महसूस कर रहे सन। उन्हां दीआं सियासी जिहड़ियां बैठकां दा हर थां दे उपर विरोध हो रहा सी। इन्हां दीआं किसान जिहड़ी भाजपा आगूआं दी थां थां दे उपर विरोध भी कर रहे सी, जिस दीआं कि तस्वीरां चारों पासे वायरल भी हुंदीआं होईआं तुसीं आम वेख सकदे सी। हुण कानून वापस लै जाण पिछों भाजपा नेता पंजाब विच अपनी गल लोकां तक पहुंचाउण दे काबिल हो जाणगे। खेतीबाड़ी कानूनां दे प्रति गुस्सा कारण ही भाजपा शहरी वोटर बिजनेसमैन अते उद्योगपति वर्ग वर्गे अपने वोटरां दे हक च अपनी आवाज़ बुलंद करन च औख महसूस कर रहे सी। हुण भाजपा दे लई राह सौखा हो गया है। खेतीबाड़ी कानूनां दे कारण किसानां तों लै के सब विरोधी पार्टियां दा हमला भाजपा दे वल वध गया सी। पंजाब च कांग्रेस दी सरकार दी जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा सी। असल दे विच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS दे नाल जुड़े मजदूर संगठनां ने खेतीबाड़ी कानूनां दा मसला उठाया सी। बाद च दुशहरे दे त्यौहार दे मौके ते RSS दे मुखी मोहन भागवत ने भी इस मसले दा हल करन दी वकालत कीती सी। उस विचों भाजपा ने एक हफ्ते दे विच दो वड्डे फैसले करके पंजाब दे वोटरां नूं इह संदेश देण दी कोशिश कीती कि उह सूबे दे हर वर्ग नूं नाल लै के चलना चाहुंदे ने। इसे रणनीति दे अधीन श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब तों दो दिन पहलां ही श्री करतारपुर साहिब जाण दे वास्ते लांघे नूं खोल दिता गया। इह लांघा भी पंजाब भाजपा दे आगूआं दे वल्लों भाजपा दी केंद्रीय लीडरशिप दे नाल मुलाकात पिछों ही खुल सकिया। इस कारण सिख भाईचारे दे विच भाजपा प्रति चंगा संदेश गया। इह वेखण वाली गल है कि 29 नवंबर तों शुरू हो रहे संसद दे सर्द रुत समागम दे दौरान भाजपा खेतीबाड़ी कानूनां दी वापसी तो इलावा इस खेतर दे वास्ते होर की कदम चुकण दा ऐलान कर सकदी है। संसद दे विच भाजपा दी इह रणनीति पंजाब च आउंदियां विधानसभा चोणां दी सियासत दी दिशा तय कर सकदी है। इस लई हुण सब सियासी विशेषक जिहड़े हैगे ने उहनां दीआं नज़रां ने उह संसद दे आउंदे समागम दे उप्पर टिकीआं होईआं ने। परंतु सब तो वड्डी गल इह है कि इह हालात ना ही आउंदे नज़र जेकर इहनां तीन काले खेती कानूनां दी आमद दे वास्ते भाजपा सरकार दे वल्लों पहला कदम ना चुक्या जांदा। जेकर चुक्या गया तां ही इह सारी दी सारी सिचुएशन बन गई है, क्योंकि सब तो वड्डी गल इह है इस अंदोलन दे एक साल दे जिहड़ा वक्फा है, एक साल दे वक्फे दे दरमियान तकरीबन सैकड़ियां जिहड़े किसान ने उहनां दी आपदियां शहादतां दे दित्तियां ते शहादतां दा जिहड़ा मुल है उह कौण तारूगा। हुण तुसीं इकदम आके इहनां कानूनां नूं जदों वापस लै लैंदे हो ठीक है, खिड़े मत्थे परवान अच्छी गल है, परंतु वड्डी गल इह है कि इस दरमियान जिहड़ियां शहादतां होईआं ने उहनां दा मुल कौण तारूगा। कोई तार भी नहीं सकता अते कोई इस दे बारे च बोल भी नहीं सकता कि की इस चीज़ दा मुल हो सकता है। परंतु फिर भी आउण वालियां रणनीतियां जिहड़ियां हैगियां ने किस प्रकार दे नाल लैफ्ट राइट हुंदियां ने इस दे बारे च भी तुहाडे नाल पल पल दी जो गल होगी उह असीं तुहाडे नाल सांझी जरूर करांगे। जुड़े रहो साडे नाल चढ़दी कला टाइम टीवी ते।